हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और आज हम बहुत ही इजी तरीके से और कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनाएंगे जो घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हलवा में गाजर का हलवा सबसे पसंदीदा होता है। आइए पहले हम गाजर के कुछ फ़ायदे जानते हैं। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है और इसमें जो फाइबर मिलते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये बॉडी के बोन्स को मजबूत करते हैं। वैसे तो गाजर हर सीज़न में मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में जो गाजर मिलते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को पूरा देखिएगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने एक पाव दूध लिया है, एक पाव गाजर लिया है जिसे धोकर छील लिए हैं, फिर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स लिया है, आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और 3 चम्मच चीनी लिए हैं। फिर गाजर को हमें इस तरह से ग्रेट करना है जैसा आप देख सकते हैं। फिर हम इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमारे गाजर उबलने स्टार्ट हो गए हैं। जब ये अच्छे से उबल जाए तो हम इसे थोड़ा हिलाकर चेक कर लेंगे। अब हम इसे उतार देंगे और इसके पानी को पूरा निचोड़ लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आप घी के जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम निचोड़े हुए गाजर को इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना होगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें दूध डालेंगे और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमें इन सब को तब तक उबालना है जब तक गाजर पूरे दूध को अच्छी तरह से सोख ना ले। आप देख सकते हैं कि पूरा दूध अच्छी तरह से सूख चुका है, मतलब हमारा गाजर का हलवा तैयार है। सो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।